दोस्तों, मैं अभी अपग्रेड लर्निंग इसके चैनल में आप सबका एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के अंदर सीखने वाले हैं पेज लेआउट। तो पेज लेआउट के अंदर कुछ हम ग्रुप्स क्लियर करेंगे और हो सके तो जितने ग्रुप क्लियर हो पाए उतने हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिफरेंट रहेगा, कुछ एडवांस लेवल का मैं बताऊंगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये डेटा मैंने रेडी कर रखा है। इस डेटा के ज़रिए से मैं आप लोगों को यहाँ पर टूल सिखाने वाला हूँ, जो पेज लेआउट के अंदर जितने भी टूल्स देखने को मिलेंगे आपको। जैसे कि पहला जो यहाँ पर देखने को मिलेगा टूल्स, वो रहता है यहाँ थीम्स। तो आप लोग कह सकते हो कि ज़्यादातर मेरे को कमेंट मिलता है कि यहाँ थीम्स यूज़ नहीं होते, मेरे स्टूडेंट जो कहते हैं यहाँ वर्क नहीं करते ये थीम्स। तो ये थीम्स कैसे काम करेंगे, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है, ये यूज़ कैसे हों? तो ये इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप अपने डेटा को थोड़ा डेकोरेशन वगैरह कलर वगैरह करोगे तो आपका काम करेगा। वो कैसे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको कलर कर लिया और इसको भी मैं कोई डिफरेंट कलर दे देता हूँ। जैसे कि मैंने ये डिफरेंट कलर दिए हैं। यहाँ पर अब मैं डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ सारा। उसके बाद मैं गया पेज लेआउट में। अब यहाँ पर थीम्स में देखो आप यहाँ पर कलर चेंज होते हुए दिख रहे हैं और साथ में लिखने का स्टाइल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर थीम्स में यही काम होता है कि आपका थीम्स सेम रहता है डेटा और उसका कलर चेंज होता है, फॉन्ट स्टाइल चेंज होगा। बस ये दो चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी कलर में भी काम करता है। ये देखो थोड़े थोड़े कलर चेंज हो रहे हैं इस तरीके से, हल्का फुल्का काम करता है, इतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं। इफेक्ट में भी यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल चेंज होते हैं अलग अलग, तो जो हम पहले ही सिंगल कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर इफेक्ट में ज़्यादा कुछ नॉर्मल कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं काम करता यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। और इस डेटा को उठाना चाहो तो इससे ऐसे उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। अब इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मार्जिन का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, इस मार्जिन का कैसे यूज़ करें। यहाँ पर मार्जिन पर इसका यूज़ करने के लिए ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर यूज़ करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल पी, और कोई पी नहीं करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट पर जाकर चेक करेंगे। प्रिंट पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऊपर का कितना मार्जिन गैपिंग है। तो यहाँ पर इस मार्जिन को ठीक करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ टॉप पे, इसको रख देता हूँ टॉप पे। टॉप पे रखने के बाद यहाँ पर मार्जिन सेट कर रहे हैं, देखो ये कम वाला। और जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर जाके प्रिंट पे चेक कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हो यहाँ पर इतना गैपिंग दिख रहा है मार्जिन। अब इन थोड़ा सा और ऊपर ले जाना चाहते, बट यहाँ से नहीं हो सकता, हम इससे कम करेंगे। अब यहाँ पर कोई चेंजिंग तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर प्रिंट पे जाके मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ये देखो कम हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं मार्जिन का। लेकिन हमें फिर भी हमें कम चाहिए और ऊपर का थोड़ा और लेंथ ही चाहिए, तो हम मार्जिन को यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पर मार्जिन का आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा ऊपर और कर सकते हैं, टॉप में कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बढ़ा रहा हूँ इसको कम कर सकते हैं, ज़ीरो कर दिया मैंने, ओके करता हूँ। और यहाँ पर जाके मैं प्रिंट पे चेक करता हूँ, यहाँ देख सकते हो आप प्रिंट पे पूरा चेक पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से मार्जिन को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ यहाँ से। दो कर दिया मैंने, एंटर कर दिया। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो मार्जिन का। नेक्स्ट है हमारा पेज ओरिएंटेशन प्रोटेक्ट। दो तरह के पेजेस होते हैं, जो हमारा डेटा इस तरीके से होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये यहाँ पर गैपिंग देखो बढ़ जाएगा, ये लाइन यहाँ थी ये यहाँ हो गई। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखो मैं छोटा करता हूँ, ये आपका जो पेज का साइज है वो देखो इतना आ रहा है यहाँ पर। अब इसी को मैं यहाँ पर प्रोटलाइट में करता हूँ तो ये देखो चेंजिंग हो गया है। तो ये देखो इस तरीके से A4 में आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ वन कॉलम बॉक्स में जा रहा है, अब यहाँ पर देखो बढ़ गया। तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हो कौन सा पेज चाहिए आपको प्रिंटआउट समय, ये कर सकते हो। पेज को भी डिसाइड कर सकते हो A4 चाहिए, कौन से लेटर वगैरह में चाहिए, वो यहाँ पर चेंजिंग कर तो दोगे लेकिन शो नहीं होगा, लेकिन शो होगा प्रिंट आउट में चेक कर सकते हो आप। अगला है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया कैसे काम करेगा, प्रिंट एरिया काम करेगा जैसे कि मान लो मेरे को सिर्फ इतना प्रिंट करना है और आगे का डेटा नहीं करना, तो मैं इस पर जाके प्रिंट पे सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर एक बॉक्स बना आ जाएगा जो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। बट यहाँ पर मैंने प्रिंट एरिया में जाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ उतना ही डेटा आ रहा है जितना मैंने यहाँ पर प्रिंट के लिए सेलेक्ट करा हुआ है, वो हम उतना ही डेटा शो कराने के लिए हम प्रिंट एरिया। अब इस प्रिंट एरिया को रिमूव करना हो तो यहाँ से जाके रिमूव कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो।
अगर यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर ये रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हो पूरी टेबल ही आएगी यहाँ पर प्रिंट में, पूरी टेबल आ रहा है, पूरा डेटा आ रहा है यहाँ पर। इस तरीके से हम डेटा को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रेक पेज, तो हम जैसे कि यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ से हमने ब्रेक पे क्लिक करा, ब्रेक पेज, तो जैसे हमने ब्रेक पे क्लिक किया यहाँ देख सकते हो चार एंगल में ब्रेक दिख रहे हैं, और यहाँ पर जिस भी हमने कॉलम में कर्सर रखा है यहाँ पर, तो उसको प्रिंट में देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो प्रिंट में वही एरिया आ रहा है, और मैंने कर्सर यहाँ रखा है तो प्रिंट पे देख सकते हो वही एरिया आ रहा है। तो इस तरीके से हम ब्रेक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग में। तो ब्रेक का अनब्रेक करना है तो रिमूव कर सकते हैं, अगर हमें पेज का नहीं पता पूरे पेज पर कितने ब्रेक लगे तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, वो सारे गायब हो जाएंगे आपके ब्रेक। तो ये भी क्लियर हुआ हो अच्छे से। नेक्स्ट हमारा बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को इमेजेस यहाँ पर देखने, यहाँ पर हम बैकग्राउंड में इमेजेस लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हॉल की मैंने एक इमेज लगाई है, तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर हर पूरे पेज पे ये बैकग्राउंड पे लगे। इसको रिमूव करना चाहते हो जहाँ जहाँ वाइट होगा वहाँ थीम्स लग जाएगी, हटाना चाहो तो रिमूव का भी यही ऑप्शन है, सेम रहेगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट टाइटल है, जैसे कि कंट्रोल पी करते हैं वही ऑप्शन सेम ओपन होगा जो मैं यहाँ पर जाके कर रहा हूँ, तो इसी वजह शॉर्ट की इस्तेमाल करो कंट्रोल पी, और यहाँ पर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से ऐसा आ रहा है, और यहाँ पर हमें टाइटल देना था तो हम टाइटल पे क्लिक करेंगे, जैसे हम टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट एरिया का टाइटल दे सकते हैं कि हमारा ये जो टाइटल है वो कौन सा है। अब मान लो इसका तो टाइटल हमें पता नहीं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि ओके किया, यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे तो कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा टाइटल कहलाता है। प्रिंट एरिया में कह सकते हो कि टाइटल कौन सा है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ टाइटल, और इस तरीके से यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रिपोर्ट और कॉलम, रिपोर्ट के लिए रो कॉलम, जैसे कि हम यहाँ पर प्रिंटर पे गए और यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर दिया हमने, ये वाला एरिया दे दिया ये एरिया, और ओके कर देंगे। तो जैसे कि अब ये ऐसे पता नहीं चलेगा, इसके लिए हमें डेटा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने डेटा बढ़ाया यहाँ पर देख सकते हो अब डेटा काफ़ी हो चुका है, कंट्रोल पी करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला पेज में ये आ रहा है, दूसरे पेज में टाइटल आ रहा है, दूसरे पेज में भी आ रहा है, तीसरे पेज में भी टाइटल आ रहा है। ये किसके ज़रिए से आ रहा है? ये इसी प्रिंट टाइटल के ज़रिए से आ रहा है। हम इसको रिमूव हटा देंगे और ओके करेंगे, और ओके करने के बाद फिर आपको एक बार और चेक कर दिखाऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हो पहले पेज में तो टाइटल आ रहा है लेकिन दूसरे पेज में कोई टाइटल नहीं आ रहा है, यहाँ देख सकते हो कोई टाइटल नहीं आ रहा है। ये इस तरीके से इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमने बताया नहीं प्रिंट होते समय हर पेज पर टाइटल आना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइटल शो कर देंगे तो यहाँ पर हर पेज पर टाइटल आएगा। इस तरीके से कॉलम को भी हम शो करा सकते हैं, मतलब हमारे सीरियल नंबर शो होना चाहिए हर पेज पर। तो इस तरीके से हम यहाँ से प्रिंट पर जाके यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर देंगे, जैसे कि हम नाम वाला ओके कर देंगे तो यहाँ पर प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ देख सकते हो कॉलम आ रहा है, और नेक्स्ट पेज करेंगे तो ये भी सेम आ रहा है। इस तरीके से हमारा हर पेज पे टाइटल शो होगा। तो इस तरीके से मैंने आज इस वीडियो में थीम्स कराया, पेज सेटअप कराया पूरा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टूल्स करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया, तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।